इन हजरात के पेपर्स खत्म हो चुके हैं और तो चिल करेंगे गर्ल्स। मैंने इसका चिल करना ही नहीं, सो किसी ने कहा एक मिनट पूरी अलिफ सुनाना। अलिफ बे पे ते टे से के जीम चे। आज मैं आपके लिए एक चीज लेके आया। मेरे लिए? लेकिन सबको बुलाओ पहले। तो ये फिर एक जिसकी पहले बर्थडे ही लग रही है फरारी। बस मैं तो फरारी। क्या देखो खुशी हो रही है इतनी। वो मार के मैं हवा में उड़ रही हूँ, फुल बारिश हो रही है, अपने मेरे मुँह में पानी पड़ रहा है। 4 लाख की क्या? Everyone, welcome to Sistrology. This is Mek Rakova. Welcome to another vlog. Welcome to another beautiful day. पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट Sistrology को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। गाइस, घर रह के ना मेरी सिर्फ एक ड्यूटी है, दरवाजे खोलने की। पीछे से मेरी माँ ने लेजेंडरी आवाज में कहा दफा गेस करे कौन आया होगा। 1 2 3। तुम्हारा लास्ट पेपर था आज, सुना मैंने? हाँ, लास्ट था और अब मैं यूनिवर्सिटी से ब्रेक हो चुकी है और अब मैं सिर्फ कब 10 दिन बाद जाऊंगी यूनिवर्सिटी। न्यू सेमेस्टर न्यू गर्ल। फाइनली राबिया को छुट्टियां हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी से और अब हमारे पास टाइम है घूमने फिरने का। अब घूमूंगी, कंटेंट डालूंगी जो। चलो फिलहाल तो खाना खाएगी। अगर फातिमा आ चुकी है यूनिवर्सिटी से और हम फातिमा को यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्या वेलकम कर रहे हैं फातिमा का। हेलो फातिमा, कैसी हो? आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। थैंक यू। तो देखो, आई एम ग्रेटफुल। वाह, अपनी सारी जो पीछे लिखे है वो लोगों को तुमने बता दी है ना? यही लिखा है गाइस, इसने पीछे यही लिखा हुआ है। चलो आ जाओ। सो गाइस, ये लोग हो गई थी, आ गई थी यूनिवर्सिटी से सब वापस, और मैं जो थी वो सुकून फरमा रही थी, फ्रेश हो रही थी। मैं ही सिर्फ अकेली फ्रेश होके नहीं आती, मेरी अम्मा भी अपना पूरा ध्यान रखती है। देखो तो सही, कलर लगा के बैठी। कौन सा कोला लगाया हुआ है? चिट्टा फ्रेश हो गया है। फिर अम्मियां सब लगाती हैं। हाँ, किस किस की अम्मियां लगाती हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। हीटर के ऊपर गिरना था, मैं भी हीटर लेने आई हूँ। ये देखिए गाइस, मैं करने लगी उनके साथ प्रैंक। ये देखें, पंखा चलाया यार। ये सब लोग अब यहाँ आके बैठ गई हैं। ये देखो, ये खट्टी चिलियां खा रही है उधर। क्या तुम क्या कह रही हो? ये ड्रेस मैंने पहना था न्यू ईयर पे। ये किस औरत किस हक से पहन के गई मेरा सूट? मुझे आज मिला और मैं पहन। और पता है तुम पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे पे इतना अच्छा नहीं लगा था ऑनेस्टली। चल रहा है लाइट सही जला, मेरी शक्ल नहीं सही। नहीं, सही बात है। मेरी अम्मा भी कह रही है कि इसने ड्रेस पहना है। मुझे इस पे यार लाइट ही नहीं चलाते हैं, कोई पता नहीं क्या मुसीबत है सबको। इन हजरात के पेपर्स खत्म हो चुके हैं और ये अभी इसी तरह। हाँ जी, नजदीक तो चिल करेंगे गर्ल्स। हाँ, ये भी चिल करेगी वो। मैंने इसका चिल करना ही नहीं, सो किसी ने कहा। तो मैं मुफ्ती की वो नहीं, स्पोर्ट नहीं करती हीरा। तुम्हें करती है ना स्पोर्ट? मैं तुम्हें स्पोर्ट करती हूँ, समझो पूरी दुनिया तुम्हें स्पोर्ट करती है। वो स्पोर्ट करे मुझे गाइस, मैं नहीं हूँ टिकटॉक पे। ये तुम क्या इसकी खसूसियत बता रही थी? तुम मैं बता रही थी कि ये इतना गर्म है, बाहर से कोई भी चीज आप मंगवाओ ना तो उनकी आई थिंक वो सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए वो उस लिहाज से एनवायरमेंट उन्होंने बनाया होता है। मैं इसके कुछ भी नहीं पहना होता, ये थे खाली। तो वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह, मेरी फ्रेंड्स को सर्दी लग रही थी बट मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना, बट फिर भी मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। मैं तारीफ कर रही हूँ। नहीं, शीन तो मीम का है और मीम नून का है। चीमके। एक मिनट पूरी अलिफ पे सुनाना। अलिफ बे पे ते टे से के जीम चे। के कहाँ से है? अलिफ बे पे ते टे से जीम चे है के दाल डाल जाल लाम मीम। हाँ, ऐसी मैंने मार के याद मैं सुनाती हूँ। अलिफ बे हमदा छोटी है बड़ी है। अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे खे दाल डाल जाल लाम दाल दाल रे से सीन शीन स्वाद स्वाद तोए जोए ऐन गैन फे काफ लाम मीम नून। काफ गाफ बोला है मैंने, बोला है ऐन गैन फे काफ लाम मीम नून वाओ हमजा छोटी है बड़ी है। मुझे आती है पूरी, रट्टा लगाया हुआ मुझसे। हाँ, छोटी बड़ी है, छोटी है गोल होती, तेरे मुँह जैसी है बड़ी है, तेरे मुँह जैसी होती है। कॉपी का मतलब मुँह कैसा? काफ जैसा। काफ और तुम नून जैसी। और हीरा का ना कर तुरंत जैसा। वैसे मुझे हंसी नहीं आ रही। नहीं गाइस कहना राबिया नून, सबने कमेंट में आज कहना राबिया नून। मैं खबरदार ये टैडी की कसम किसी ने कहा मैं बात नहीं करूंगी किसी से। राबिया नून लीग बात ही नहीं करी। आज मेरी यूनिवर्सिटी में 4 लड़के मेरे पास आए, कहते हैं इधर एडमिशन लेना है। मैंने कहा इधर ना लो एडमिशन। क्यों तुम क्यों डिफेम कर रही हो अपनी यूनिवर्सिटी को? यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी, थैंक्स मी लेटर। अल्लाह करे तुम्हारा डीन ये देख रहा है ब्लॉगर को। कहते हैं कि मैंने कहा अच्छी नहीं है जनरली, मैं जो मतलब सारे पूछने आए थे। मैंने उनको कहा अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ो। वो एक कहता मैं तो बाहर जा रहा हूँ ये वो। मैंने कहा यहाँ पे भी पढ़ना है, बट मैंने कहा जो फिर लास्ट में मैंने कहा हमें क्या जो दिल चाहे करो। हाँ, जो दिल में आए करो। कहता ये क्या बात है, हम जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ना उनके बच्चों से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। यार जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ होता है। हर यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं हम जिस भी यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी हर नहीं कहते इधर ना ले एडमिशन, इधर ना ले एडमिशन। बैल हुई है, बैल हुई है, बैल हुई है। एक तो हर दफा दरवाजा खोलने ना मुझे ही जाना पड़ता है। डैडी डैडी आई है। हाँ जी, तो जिसके हाथ में फोन है मेरी मम्मा कहती है वही दरवाजा खोल के आएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको पता है मैं कैमरा ही लेके फिरती हूँ। कैमरा मुझसे और मैं कैमरे से हूँ। आज मैं आपके लिए एक चीज लेके आया। मेरे लिए क्या? हाथ तो आपके खाली है। लेकिन सबको बुलाओ, पहले सबको बुलाऊं आपको मैं। अच्छा ओए बच्चियों, पापा बुला रहे हैं बाहर। पापा कह रहे हैं मैं कोई चीज लेके आया तुम लोगों के लिए, जल्दी आओ। क्या? मुझे क्या पता, क्या आओ तो सही। हाँ इन भूखियों को सिर्फ बिरयानी की बिल्ली को छिछड़ा के ख्वाब आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। बाहर बुला रहे हैं वो, जाओगे तो पता चलेगा। अब मैं टाइम आपको दिखा दूं गाइस, ये रात के 11 बजे में कुछ भी आया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं देखने में। ये देखो सब लाइन वाइज जा रहे हैं। पापा जितने एक्साइटेड लग रहे थे ना उस हिसाब से। ज़ैनब आप रह गई हो मानो। चलो चलो। पापा बहुत मशकूक नजरों से हंस रहे हैं। मुझे क्या पता, कह रहे हैं सबको बाहर बुला के लाओ। लेके आए आपके लिए क्या? बर्थडे किसकी आ रही है? मेरी सबसे पहले मेरी आ रही है। तुम्हारी बाद में है, मेरी पहले है। सबसे पहले मेरा बर्थडे है। पता नहीं क्या लाएंगे। सबसे पहले मेरा बर्थडे है, फिर उसका, फिर उसका। सिंगल सिंगल सबको देता था ना गिफ्ट। हाँ मैं सोचा सारों कट्ठों को दे दें। नहीं सिंगल सिंगल मिलते थे मेंस पर। नहीं तुम्हारे लिए नहीं, इसके लिए रेड आएगा। गाड़ी नहीं, ये क्या दिखाएं गाड़ी को? तो ये फिर एक जिसकी पहले बर्थडे चाबी लग रही है फरारी की। बस क्या है वो? उधर जाके मुंह धो ही रहा। नहीं पहले मुझे दिखाएं क्या दे रहा है। फिर देना क्या सबको? सबको ये एक क्या है होंडा। तो ये तो फिर किस चीज की है? नहीं पहले मुझे बताएं कि ये एक बंदे को दे रहे हैं किसको दे रहे? पहले जाके देंगे। नहीं तो चाबी एक है, सबको कैसे देंगे? सारे यूज कर सकते हैं। काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया। चलो भाई देख लेते हैं। क्या कह रही है? मैंने कहा मैंने किया मोटिव को भाई निकाल। ये किया मोटिव करेंगे। ये वाली तो पहले से ही खड़ी है, ये वाली तो पहले ही खड़ी है, तो दूसरी वाली कहाँ खड़ी करेंगे? दूसरी वाली हम खड़ी करेंगे। वो बाहर सामने प्लाट दिखा तो दे, वो भी तो मारा दिखा तो दे। पता लगे पापा फ्रेंड। चाबी से बता दूंगी लाए कौन सी वाली है। हाँ पता लगे हीरा फरारी। ये तो गाड़ी की चाबी है। बेंटले है ये, गाड़ी की चाबी है ही नहीं। गाड़ी है गले की है, की चाबी है बाइक की है। तो बाइक की चाबी है। बारिश हो रही है, फातिमा ने सच बोला। स्कूटी। ओह माय गॉड, ये है जी। ये मेरे लिए तो मैंने उस दिन मांगी थी। जब कब? मैंने कहा था जब मुझे हैवी वो स्कूटी चाहिए, क्योंकि तो हैवी बाइक है। इसका वो भी है ना। पहली बात है कि हमें गिफ्ट क्यों मिला है, तो हम चला ही नहीं सकते। हर बार वो गिफ्ट क्यों देता है जो आप खुद यूज कर सकते हैं। हाँ ये आप बेसिकली अपने लिए लेके आए हैं। और ये हमारे हमारा गिफ्ट कर। पिछली दफा हमारे बर्थडे में तो क्या गिफ्ट दिया था? परफ्यूम लेके, वो भी मेल। हाँ मेरी बात, ये आपका गिफ्ट इसलिए आप कैसे चला सकते हैं? मैं यहाँ बैठ के चलाऊंगा, मेरे पीछे बैठे। हमें भी सिखाए ना, हमें भी सिखाए, मुझे भी सिखा दे। हमें इतनी ठंड में बाइक पे तो समझ आता है। हाँ ये भी समझ। ओए इसने आते साथ बदतमीज ने शॉपर फाड़ दी है। फातिमा बहुत बड़ा। ये किसी की शादी में जाती है तो उनकी मिठाई का डिब्बा टुक देती है, कहीं जाती है कुछ खराब कर देती है। अपने अपने घर में ये हरकतें करती है। ये क्या वो लोगों की तरह आते सा उतारना ही नहीं है कवर, शॉपर ही नहीं उतारना। एक दिन तो रहना दो। मैंने कहा सुना था वो लोग शॉपर होते हैं ना, गाड़ी से शॉपर नहीं उतारते। तो ये हमारी आई है छोटी, इसका नाम है इसका नाम क्या है? चार्जिंग बाइक 50 लाख की कैसे होती है? 50 बाबा जी नहीं, ये 50 लाख की कैसे है? 50 लाख की कैसे है? मुझे तो ये समझ आ रही है इसमें 50 लाख का। गाइस देखे इसमें कोई गोल्ड गोल्ड लगा हुआ है। वापस बेच के ना हमें 10-10 लाख वैसे ही दे दो, 5 में पूरा आ जाएगा, हमको नहीं चाहिए। इसे जब मुझे 4 फोन ले दे। इसको अंदर तो लेके आए इसको। हाँ ये अंदर सिर्फ एक दिन ही रहेगी। क्यों? फिर मैंने भगा देना। क्यों मम्मा इतनी प्यारी है? चलो चलो रखने के लिए। हाँ वो किया वो डी है ना, पहले देखो इधर चेयर है, कोई जगह भी नहीं है, कहाँ पे रखनी है? यार ये लड़कियां तो पागल हो पड़ी। मैं चुप करके देख रही हूँ कि कर क्या रहे हैं। मम्मा आपको 2 दिन शौक पूरा करो फिर भेजो इसको वापस। पता नहीं कि मुझे इस सोफे का कोई फायदा ही दिख रहा है। नहीं पहले किया मोटी खड़ी है बाइक मोटी आ गई। ओए होए मम्मा ध्यान से। ओए होए 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 पसंद नहीं आया। लड़कों वाली चीज़ अगर भाई होता उसको फायदे होते हैं, वो चला के निकलता, हमें क्या फायदा इसका? चार्ज हुआ करेगी। अच्छा फोन चार्ज नहीं होता है यार। एक तो एक चीज आई है, एक का शोर, दूसरे का शोर, तीसरे का शोर, चौथे का शोर। हाँ पापा जी इसका हेलमेट नहीं है साथ, तो हमें राइड तो दें। ले लेना, तुझे राइड की पड़ गई आते ही। देख लो ठंड लगवानी। हाँ एक राइड वैसे बनती है। हाँ ले लेना, सुबह ले लेंगे दिन की रोशनी। ओके फिर हम लोग पैसा यूज हो गुस्सा फीचर्स दिखाएं ताकि मैं लोगों को तो दिखाऊं गाइस कि ये इतनी मोटी, इसकी टमी बहुत मोटी है। और इसके बैटरी, इसमें पेट्रोल नहीं डलता। अच्छा ये बैटरी वाली और इसमें जो है वो, और ये असली में बताया 50 लाख की है। देखें 5.5 लाख रुपए की है। ये देखो जी कितनी खूबसूरत हमारी। ये मुझे तो इतनी अच्छी लग रही है, लोगों ने कहना है ये सबको बुलाने के लिए। So guys आप लोगों ने देखा कि हमारे घर जो है वो एक कदर सिस्ट्रोलॉजी फैमिली में नई चीज का इजाफा हो चुका है, एक प्यारी सी ब्लैक कलर की। हाँ ये पापा हमारे गिफ्ट पे नाम पे हमें चूने लगा रहे हैं कि सही बर्थडे मंथ था। पापा सही हमें अच्छा वाला, मेरी बर्थडे था अकेला। तुम्हारा जून में बेटा, आप छुट्टी करो, आप किधर? उसका है फरवरी में, आपका भी है, तो आप अपने लिए बेसिकली गिफ्ट लाए ना। वो ये गवाही तुम्हारी तरफ से आपको, तो क्यों हमारे लिए क्यों लेके आए? कौन सा ये बाइक? मैंने ना चलानी ना चलानी, बेच के पैसे ले आऊंगी, बस यही करेंगे। मैं ना चलानी ना चलानी, सारे घर दे बिल मैं देने। हां ट्रैक्टर वाली वीडियो में इसको यूज कर लूंगी। हां उसके बाद मूवी बनाना कि बेटा न्यू बाइक ले आया छुपके। बेसिकली पापा अपने लिए लेकर आए हैं। हाँ लेकिन आप लाए अपने लिए, मान ले आप अपने लिए लाए हैं। हमारे ऊपर चूना लगाई जा रहे हैं कब से। हमें सही प्रॉपर गिफ्ट चाहिए मेरी बर्थडे पे। मैं तो बता रही हूँ, राबिया ने कहा था कि मैंने स्कूटी लेनी है, इसको बेच के। स्कूटी तो हैवी बाइक है ये, तो एक शायद पे मुझे फायदा चलाना सिखाए। ठीक है राबिया तो टांगे ही नहीं नीचे लग रही, वो इतनी मोटी है ऊपर से पेट से। राइट साइड हम लोग लेंगे कल। अच्छा वो एक्साइटमेंट जो लड़कों को किसी बाइक शाइक की आने की होती है ना, वो लड़कियों को कसम से नहीं होती। मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। The next day ओ तेरी खैर मानो भी आ गई, मानो आपकी राइड कैंसिल हो गई। खुशी हो रही है इतनी, वो मारे को नई बाइक आ गई है क्या? बैठना मेरा आइडिया था बैठने का, मुझे बैठना है। ओके गाइस सो मैं फाइनली कोई 6-7 साल बाद बाइक पे बैठ चुकी हूँ। बाइक का नजारा करते हुए चलो राबिया, ये तो जूते भी वैसे हैं देखो। ओह माय गॉड अब राबिया की बारी है। अब राबिया व्लॉग बना के आपको दिखाएगी कि वो किस 1 2 3 स्टार्ट। चलो मैं बड़ी देवा बाइक पे बैठ रही हूँ। ये तो बड़ा मजा आता है। बारिश हो रही है, मुँह पे कतरे पड़ रहे हैं। रास्ते में लोग अंकल भी देख रहे हैं। अब तुम्हारी ये बारी है। चलो जी सबसे आखिर पे मेरी बारी आएगी। हीरू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है गाइस, उसको ना सर्दी की वजह से बुखार हो गया, पता लगे ना। मानो ने जूता देखे कौन सा पहना और बारिश देखे कितनी तेज हो चुकी है। सही थे ना मेरे बाइक वाले जूते, हमारे बाइक वाले। हाँ बारिश तेज होगी काफी। मेरी बारी बारिश होगी, मैं क्या करूँ? आ जाऊँ? ओके ओके 1 2 3 बैठना किस तरह से है? छोटा वाला लीवर निकले, इसको पावर रखो पहले। ये वाले इसके ऊपर? हाँ रखो। ओके रखा। 1 2 3 और लीवर। ओके डन बैठ गई। हाँ जी गले से नहीं पकड़ना। अच्छा गले से पकड़ना, यहाँ से। ओके। उई माँ, उई माँ। मैं बड़ी देर बाद बाइक पे बैठी हूँ गाइस और मैं हवा में उड़ रही हूँ, फुल बारिश हो रही है, मेरे मुंह पे पानी पड़ा है और मुझे लग रहा है मेरी टोपी उड़ जाएगी। उई अल्लाह, ऊपर से सर पर भी सर्दी लग रही है और यहाँ पे फुल सर्दी होगी, लेकिन मज़ा आ रहा है। इतनी स्मूथ है ये तो बाइक, और ये सही जो है इलेक्ट्रिक बाइक। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक बाइक। पता लगे। अब हम खुलवाते हैं भाई बड़ा दरवाज़ा, क्योंकि देखे बॉल गीले हो गए, पापा भी गीले हो गए और मेरी बारी है उतरने की। दरवाज़ा मैंने राबिया बदतमीज़ को कहा था कि पहले ही खोल दो, ठीक है, लेकिन राबिया ने खां खुला हुआ, कुंडी खुली हुई है। ये पापा घर में एक गंद साथ लेके आए, ये आपको मम्मा बताएंगी। ये देखें जरा, उस पर कपड़ा, उस पर जो है ना वो सही से कपड़ा, हाँ इसके ऊपर नहीं गिरेगा पानी शानी, है ना। ले लेते हैं, दिल कर रहा था मैं हैंड बैग लेके आऊं।